तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान शुशु और पोटी जाने से पहले आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए जिससे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपके साथ ना हो सके, जिससे आपके गर्भस्थ शिशु पर कोई असर ना पड़ सके। इस वीडियो में इससे रिलेटेड पूरी जानकारी विस्तार से मिलेगी। इससे पहले कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे यूरिन के बारे में। प्रेगनेंसी जैसे होती है उस समय से यूरिन की समस्या हम प्रेग्नेंट महिलाओं में होती रहती है, खास करके कि लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा यूरिन जाना पड़ता है। उसका भी मेन रीजन होता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा यूरिन क्यों आती है, ये आपको एंड तक आपको पता जरूर लगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान हम में कई हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग जाते हैं। पहले के हार्मोनल इम्बैलेंस कम होते हैं और जब से प्रेगनेंसी होती है उस समय कुछ और हार्मोन्स जुड़ जाते हैं, बॉडी में एक्टिव हो जाते हैं, उस वजह से प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन जाना बार बार होता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती ट्राइमेस्टर में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होने लग जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मोस्टली प्रेगनेंसी जो है स्मूथ चलती है, न बहुत ज्यादा यूरिन आती है, न बहुत ज्यादा पोटी की समस्या होती है, न ही बहुत ज्यादा पेन होता है किसी भी एरिया में, न ही पेट में होता है, न ही मिसली वगैरह की प्रॉब्लम होती है। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर स्मूथ है तो बहुत ही अच्छी बात है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बिहाफ में ही डॉक्टर डिसीजन लेते हैं कि आपका लास्ट ट्राइमेस्टर कैसा जाने वाला है और आपकी डिलीवरी कैसे रहने वाली है। अब बात आती है थर्ड ट्राइमेस्टर की, यानी कि सातवें, आठवें और नौवें महीने में। इस समय यूरिन आने की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। इस समय क्या होता है, बच्चे का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चे जो होता है अपना सर नीचे कर रहा होता है, यानी कि बच्चे अपना हेड डाउन पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी प्रक्रिया चल रही होती है। और बच्चा जब हेड डाउन करता है तो आपके पेल्विक एरिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण आपको 10 से 15 मिनट के अंतराल पर आपको शुशु जाने जैसा महसूस होता है और आपको जाना भी पड़ता है। तो एक अच्छी साइन है कि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ है, आपके बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है टाइम से हो रही है, अच्छे तरीके से हो रही है। आपको टॉयलेट जब बार बार आ रही है, यूरिन आ रही है, तो इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। घबराना कब चाहिए, जब आपकी यूरिन पास करने पे जलन हो रही है, खुजली हो रही है, यूरिन से बदबू आ रही है, बहुत ज्यादा यूरिन में डार्कनेस है। इस समय आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। डार्कनेस यूरिन का मतलब होता है कि आपके बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार होने लग गया है, आप पानी का सेवन बहुत कम कर रही हैं। पानी बहुत कम पीने के कारण ना येलोइस या डार्कनेस यूरिन हो जाता है। अगर गंदे टॉयलेट का ज्यादा यूज करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उस समय आपको इन्फेक्टेड, आपकी प्राइवेट एरिया जो होता है इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। वैसे ही गर्भवती महिलाओं की जो इम्यूनिटी क्षमता है प्रेगनेंसी के दौरान कम लेवल का हो जाता है, इसलिए बहुत जल्दी किसी भी चीज से वो संक्रमित हो जाती है, जिसके कारण उनके प्राइवेट पार्ट में खुजली हो सकती है, या दूषित खाना से आपके बॉडी में चकत्ते पड़ सकते हैं, अपच हो सकता है पेट में, या दूषित पानी पीने से आपको गले में खराश हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, या बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। इसलिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं टॉयलेट यूज करने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि टॉयलेट अच्छे तरीके से साफ सुथरा हो। ऐसा तो हर जगह पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप उसे ध्यान में रखें। दूसरी बात है कि टॉयलेट यूज करके आप यानी कि यूरिन पास करके अपने प्राइवेट पार्ट को टिश्यू से साफ कर सकती हैं, टिश्यू से कर सकती हैं, वाइप कर सकती हैं। इससे होता क्या है कि बार बार यूरिन जाने से आपका प्राइवेट पार्ट चिपचिपा रह सकता है, गीला रह सकता है, जिससे खुजली हो सकते हैं, चकत्ते हो सकते हैं। इसलिए प्राइवेट पार्ट का भी गीला रहना, बार बार आप यूरिन जा रही हैं तो सादे पानी का यूज कीजिए, प्राइवेट पार्ट को जरूर वॉश कीजिए और टिश्यू से भी उस चिपचिपापन को दूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके प्राइवेट पार्ट से स्मेल नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी और खुजली भी नहीं होगा, जलन भी नहीं होगा और आपकी प्रेगनेंसी जो है हेल्दी रहेगी। कोई भी तरीके से कॉम्प्लिकेशन होता है तो डॉक्टर से जरूर सलाह कीजिए। वैसे भी इस गर्मी के मौसम में आपको पानी की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। इस समय आजकल ड्रिंक्स मिल रहे हैं, स्प्राइट वगैरह या आम का जूस जो कहते हैं, ये सब बहुत ज्यादा सेवन करने लग जा रही है। उनके मन में ये सवाल रहता है कि ये सब भी तरल पदार्थ है, ये भी पानी के रूप में होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका मानना, लेकिन ये जो प्रेगनेंसी का जो अवस्था है ना, बहुत ही सेंसिटिव अवस्था होता है। इसमें अगर कोई भी थोड़ी सी आपको गलतियां बहुत ज्यादा भयानक रूप ले सकती हैं, इसलिए बाहर की चीजों में खाने पीने को मन को क्रिएटिविटी पे थोड़ा सा रोक लगाइएगा तो आपकी प्रेगनेंसी और भी हेल्दी रहेगी, बच्चे का ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होगा। मानसिक तौर से बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है बच्चे का मानसिक ग्रोथ, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में ही बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, वो असर करता है। आप खाने में क्या चीज ले रही हैं, आप न्यूट्रिशन भरी फूड ले रही हैं कि नहीं, आपकी डाइट कैसी है, इस पर बहुत असर करता है।
जैसे ही आप डाइट लेंगी उसी तरह से आपके बच्चे का ब्रेन में भी डेवलपमेंट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्रेगनेंसी के दौरान लास्ट ट्रेमेस्टर में बहुत ज्यादा टॉयलेट आपको जाना ही पड़ता है। इससे बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट महिला ना इरिटेट हो जाती है, परेशान हो जाती है। उनको लगता है कि हर एक 10 मिनट या 15 मिनट पे यूरिन जाना पड़ रहा है, तो वो रोक लेती हैं, होल्ड कर लेती हैं कि हम आधे घंटे के बीच में जाएंगे। तो ऐसा करने से ना आपके निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्सा जो होता है उसमें भयानक दर्द हो सकता है। इससे आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। बार बार टॉयलेट पास नहीं करेंगी, जब जब भी आपको महसूस हो रहा है आप पास अगर नहीं करेंगी, तो इससे बच्चे की मूवमेंट में असर पड़ सकता है, क्योंकि बच्चा वहां होल्ड हो चुका है। जैसे आप सुसु होल्ड करके रखती है वैसे ही बच्चा भी वहां होल्ड हो जाता है। इसलिए आपको जब भी लगे कि टॉयलेट पास करना है तो उसी समय आप इससे निपट लीजिए। अब बात आती है पॉटी के बारे में, कि पॉटी आने से पहले आपको, पॉटी टॉयलेट यूज करने से पहले कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, पॉटी को भी पहली बात बता दें, पॉटी को भी आपको होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। पॉटी होल्ड करने से आपको गैस बन जाता है। गैस यदि आपके पेट में हो जाता है तो आपको खाने में अपच होने लगेगी, पेट में दर्द होने लगेगा, सिर में चक्कर भी हो सकता है। इसलिए पॉटी को भी आपको होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। अगली बात, अगर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा आपको कब्ज हो रहे हैं, टाइट पॉटी आ रही है, उस समय आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान टाइट पॉटी का मतलब है कि आपके खाने में कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी ऐसी खराब है जिसके कारण आपकी पॉटी टाइट है, यानी कि कब्ज का रूप ले रही है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कब्ज है, उससे नॉर्मल डिलीवरी होने की पॉसिबिलिटी घट जाती है। तो अगर आप चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी आसान से रहे, स्मूथ से रहे, तो आपको पॉटी को होल्ड करके नहीं रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, पॉटी को बहुत ज्यादा टाइट नहीं होने देनी है। इसका रीजन ये कि ये भी हो सकता है कि पानी का कम मात्रा, बॉडी में पानी की कमी से पॉटी में टाइटनेस आ जाती है, कब्ज का रूप ले लेती है। दूसरी बात, आपको आयरन और फॉलिक एसिड ऐसे चीजों का यूज डाइट में करना है जिससे कि आपको पॉटी टाइट ना हो और स्मूथली आपकी पॉटी पास हो जाए। अगली महत्वपूर्ण रीजन ये हो सकता है पॉटी रोकने से, होल्ड करने से होता है कि आपको पाइल्स की खतरे बढ़ जाती है। डिलीवरी होने से पहले ही आपको पाइल्स की निशानियां दिखने लग जाती हैं पॉटी होल्ड करने से, या आपको कब्ज होने से भी ऐसे आपको निशानियां संकेत मिलने लग जाती है। इसलिए आपको थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन, ऐसे रीजन आपको समझ में आए तो डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से बहुत सारे आपको नॉलेज मिला होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।